सो बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड यू शुड नो एंड वीक बेस. एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो बेटे दीज ऑल आर एसिड बेस सॉल्ट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स consist of acid, base and salt. Remember, because when they will be added into water, they will ionize, and after ionize they will do conduct electricity. So these are known as electrolytes. Always remember this. Theek? Why they conduct electricity? Because they ionize. Ab aapse ek question bhi pucha jata hai before starting it. क्या ग्लूकोज या आप अल्कोहल को एज एन एसिड ट्रीट कर सकते हो? राइट डाउन ग्लूकोज और अल्कोहल कैन बी ट्रीटेड एज एसिड. ठीक है, कैन बी ट्रीटेड एसिड. तो योर आंसर इज नो फॉर द क्लास प्लस टेंथ. ग्लूकोज में हमें देखने में हाइड्रोजन नजर आ रहा है. सेम अल्कोहल में भी हमें हाइड्रोजन नजर आ रहा है, मगर इसको हम एसिड ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व जरूर होते हैं बेटे, जैसे एसिड डिजोल्व होते हैं, मगर वहां पे जाके आयोनाइज नहीं करते. आयोनाइज मतलब टूटते नहीं है. जब ये टूटते नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेंगे. तो डिजोल्व होते हैं बेटे क्योंकि वहां पे जाके वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. कोई भी चीज जब वाटर में डिजोल्व होती है वो दो फैक्टर्स के कारण होती है. रिमेम्बर, या तो वो वाटर में जाके टूट जाती है जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, या वाटर के साथ बॉन्ड बना लेती है जैसे कि ग्लूकोज एल्कोहल. वो वाटर में इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि वहां पे जाके उसके साथ बॉन्ड बना देते हैं, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो टूटेंगे नहीं आयंस में. इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट करता है जिनके पास आयंस हो या इलेक्ट्रॉन्स हो. एसिड बेस सॉल्ट के पास आयंस होते हैं, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिनके पास आयंस या इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एसिड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब उनको वाटर में डाला जाता है. और जो हमें पता है मेटल कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है. ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? यू विल राइट नो बिकॉज दे विल नॉट आयोनाइज. एंड इफ दे आस्क यू द एक्टिविटी यू कैन शो एनी ऑफ द एक्टिविटी टेकिंग ए इलेक्ट्रॉन टेकिंग अ बल्ब यू आर डूइंग फ्रॉम द जूनियर स्टैंडर्ड. तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब यहां ग्लो करेगा. ठीक बेटे, सो स्ट्रॉन्ग एज दीज आर दीज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट कंप्लीटली आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, रिमेंबर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो. ठीक, तो ये सब चीजें आयोनाइज कंप्लीटली होती हैं. अब एसिड वाटर में जाके हमें क्या दे रहे हैं? एसिड वाटर में जाके हमें बेटे जी H प्लस आयन या फर्दर ये हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं. और बेस वाटर में जाके इफ यू विल एड वाटर इनटू बेस वाटर इंटू बेस तो ये वाटर में जाके क्या देगा आपको? हाइड्रोक्सल आयन. यू विल गेट हाइड्रोक्सल आयन. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज? दे विल कंप्लीटली आयोनाइज. रिमेंबर दे विल कंप्लीटली आयोनाइज. दिस इज नोन एज एसिड एंड बेस कंसेप्ट. And this concept is known as
आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस नेम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि एसिड वो है जो एच प्लस दे, बेस वो है जो OH नेगेटिव दे, ठीक है बेटे, और जो वाटर में जाके कंप्लीटली डिसोशिएट या आयोनाइज कर जाएं तो उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। आप देख लो एसिड और बेस में क्या फर्क है, एक तरफ मैं OH नेगेटिव बना रही हूँ और एक तरफ मैं H3O पॉजिटिव बना रही हूँ। अगर मैं वीक की बात करूँ तो वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करते बेटे, दे विल पार्शली आयोनाइज। आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल बिफोर लाइक एसिडिक एसिड, हम हमेशा इसको डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन पीछे की तरफ भी चलती रहती है, बिकॉज इट नॉट बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड। लाइक इफ यू आर टेकिंग कार्बोनिक एसिड, तो इट विल नॉट बी इजिली आयोनाइज्ड और हमारे पास क्या बन जाएगा, SO3HCO3 नेगेटिव। ओके तो या एच प्लस पॉजिटिव दिखा लो आप। वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट विल ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज, यू विल गेट अमोनियम एंड OH नेगेटिव। ये चीजें आपने याद रखनी है। हाँ जी अरमान, हरी अप। मैम आपने HCl के ऊपर क्या लिखा है? आर्हीनियस कंसेप्ट। बट इन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड यू विल नॉट डू वन कंसेप्ट AR HENIUS, ठीक है, यू विल नॉट डू वन कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। दिस इज ओनली वन कंसेप्ट व्हिच इज टेलिंग अस दिस एसिड इज दैट व्हिच गिव एच प्लस एंड बेस इज दैट व्हिच गिव OH नेगेटिव। नो, यू विल डू मोर ऑफ द कंसेप्ट लाइक लुईस एसिड बेस ब्रॉन्स्टेन-लोरी एंड यू विल नॉट एम्फसाइज ऑन दिस कंसेप्ट ओनली। और मैम अगर हम ग्लूकोज और अल्कोहल की इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें तो वो तो आयंस में टूट जाएंगे फिर। कौन इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएंगे? अल्कोहल एंड ग्लूकोज बेटे वो कब टूटते हैं? दे विल नॉट ब्रेक इन वाटर, वो वाटर में कभी जाके टूटते नहीं है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, वो टूटते नहीं है जाके, नेवर एवर, वो सिर्फ वाटर के साथ बॉन्ड एस्टैब्लिश करते हैं इसलिए वो डिसॉल्व होते हैं। टूटते एसिड बेस ये सॉल्ट ही हैं। एनी मोर डाउट अरमान? तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। यस दवनेश, मैम विनेगर के अंदर आपने दो दो बार O लिख दिया तो मैम वो बॉन्डिंग कैसे करता है ऑक्सीजन? दिस विनेगर एसिटिक एसिड यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो मैम दो दो बार O है तो हम O2 नहीं कर सकते? नो नो, दिस कार्बन इज डबल बॉन्डेड O विद ऑक्सीजन, ये एक डबल बॉन्ड O है, ये जो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लगा है ये बेसिसिटी मतलब ये H पॉजिटिव देता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा है इसके कारण ये एसिडिक है। तो ऑक्सीजन एट ए टाइम दो बॉन्ड बनाता है, वन बॉन्ड इज हियर वन बॉन्ड इज हियर, यू कांट राइट O2 एज सच, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एज O2, देयर हियर देयर इज डबल बॉन्ड O, हियर इज सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। ओके दिनेश? यस मैम। Never ever you can show like this. This is a carboxylic acid. When you will do organic and if you are taking medical or non-medical, we will doing in advance, then you will got to know more. So next come bete pH. See, जो हम कहते हैं कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब किसी भी जब चीज आयोनाइज होती है तो हमें पता है H प्लस या OH नेगेटिव देते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर का आयनिक प्रोडक्ट मींस वाटर को जब आप
25 डिग्री सेल्सियस में मान लो इट विल गेट डिसोसिएटेड, तो एच प्लस और ओ एच नेगेटिव बनेंगे, ठीक, इट हैज एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव एंड दिस एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल, ठीक, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव विल बी इक्वल, दैट इज 10^-7 मोल पर लीटर, ठीक बेटे। जब वाटर न्यूट्रल है ना, वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक, तब उसमें OH नेगेटिव, जितने OH नेगेटिव हैं, क्यों, कोई बेसिक कब बनेगा जब OH नेगेटिव ज्यादा होगा, कोई एसिडिक कब होगा जब H पॉजिटिव ज्यादा होगा, है ना। तो जो वाटर हम न्यूट्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर में H प्लस और OH नेगेटिव इक्वल होते हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव की होती है कि 1 लीटर में 10^-7। ओके, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें कि इसकी भी 10^-7 है बेटे और इसकी भी 10^-7 है, इसकी भी 10^-7 है और इसकी भी 10^-7 है, इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज KW, दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक, दैट इज 10^7 मल्टीप्लाई बाई 10^7, तो यू विल गेट 10^-14। दिस इज नोन एज बेटे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और OH नेगेटिव की इतनी है बेटे, 1 / 10 × 10 × 10 हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। तो हमने एक साइंटिस्ट आया डेनियल, जो एक बायोकेमिस्ट था, उसने क्या किया, उसने इसको pH की टर्म में, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से हमें समझाया। नाउ स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ pH, व्हाट इज pH, pH इज मैग्नीट्यूड, राइट डाउन, इज कमिंग नाउ, देखो बेटे pH का कंसेप्ट डेनियल लेके आया था, फिर आप pH से निकालते हो, आप लिटमस से नहीं निकालते, क्योंकि लिटमस पेपर आपको सिर्फ ये बताता है कि कोई एसिड है या कोई बेस है, मगर pH आपको ये बताता है कोई एसिड है तो वो कितना स्ट्रांग एसिड है, बेस है तो वो कितना स्ट्रांग बेस है, ठीक है। What is the difference between litmus और pH? आप ये समझो पहले, litmus अकेला आपको will tell you about the acid or base, but pH will tell you the neutral one, the strong acid one, the weak acid one, or strong base one or weak base one. Now what is pH? pH of a solution is a magnitude, pH of the solution is the magnitude of the negative power of the negative, first write the definition, then you will understand, of the negative power, wo negative power jiske upar 10 ke upar lagayenge power, to which 10 must be raised, to which 10 must be raised, okay, to express the hydrogen ion concentration, to express the hydrogen ion concentration
इन द सॉल्यूशन. अब इसको समझो पहले लेमन लैंग्वेज में. मैंने कहा कि जब मेरा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना बेटे, एच प्लस 10^7 है, अगर मैंने पीएच की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है तो मैं बोलूंगी नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-7. ठीक, ओके, माइनस लॉग ऑफ 10^-7. जब हम किसी चीज का लॉग निकालते हैं तो ये जो रेज्ड चीज होती है बेटे यहां आ जाती है. अब पीएच क्या हुई, पीएच विल बी -1 × -7 log 10. No one will be asking you the definition from the class 10th. Just understand what is pH. अब log 10 क्या होता है बेटे? Log 10 is 1. तो -1 × -7 will be 7. 7 log 10 is equal to 1. तो pH क्या आ गई? 7. इसका मतलब जब pH 7 है तो ये न्यूट्रल है. पीएच 7 है तो ये न्यूट्रल है कि नहीं है? है कि नहीं है बेटे? समझ आई इतनी बात? हाँ जी, गॉट इट? यस, ओके. अब आगे समझो. अब मैं बोलूं जब मैंने इस न्यूट्रल चीज में बेटे एसिड डाल दिया. अब ये न्यूट्रल चीज थी, पहले समझो इस बात को. न्यूट्रल में मेरी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थी बेटे 10^-7. अब इस चीज में मैंने एसिड डाल दिया, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस की इंक्रीज होगी. अगर ये -7 है तो -7 ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर H प्लस ये इंटीजर लाइन है बेटे, ये 10^-7 है, अज्यूम, एंड यू आर एडिंग H प्लस, तो आपने अगर 10 की तरफ जाएंगे हम, है ना, हम इस तरफ जाएंगे तभी हम कहेंगे ना कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं. जैसे जैसे 10 की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हम ये बोलेंगे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी ना H प्लस की. H प्लस की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आप डिवाइड ना करके डिवाइड डिनोमिनेटर से हटाते जाओगे. मीन्स 10^-7 से 10^6 लेके जाओगे, 5 लेके जाओगे, देन 4 लेके जाओगे, 3 लेके आओगे और 10^-1 लेके आओगे. ऐसे ही होगा. यू आर एडिंग एच प्लस. जब 10^-7 है तब ये न्यूट्रल है बेटे जी. जब आप किसी चीज में एसिड डालोगे तो माइनस की पावर डिक्रीज होगी क्योंकि एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी. तो ये किस तरफ जाएगी? 10^-6 की तरफ, -5 की तरफ, -4 की तरफ. ठीक है, अगर पीएच -log 10^-5 है तो पीएच कितना है? 5. अगर पीएच 10^-1 है तो पीएच कितना है बेटे जी? 1. मींस अगर 7 पे ये न्यूट्रल है, बिलो 7 जाके ये क्या हो जाता है? एसिडिक. बिलो 7 जाके ये एसिडिक, और जितना 7 से इस तरफ जाता जाएगा वो मोर एसिडिक होता जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? जितना 7 से इधर जाएगा बेटे दैट विल बिकम मोर एसिडिक. अब आप जब H प्लस आयन 10^-7 है, ठीक है, अब आप इसमें OH नेगेटिव डाल देते हो. अब यू आर एडिंग OH नेगेटिव.
इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर ये 10^-7 है तो ये 10^-8 हो रही है, 10^-9, 10^-11, 12 एंड सो ऑन, इसकी डिक्रीज होगी और उसकी इंक्रीज होगी क्योंकि दोनों की, बेटे दोनों की हमने बोला है इक्वल है, जब न्यूट्रल है दोनों की इक्वल है। अगर ये 10^-7 है तो ये भी 10^-7 है। अब आपने OH नेगेटिव डाल दी तो ये 10^-6 हुई, तो ये -8 हो गई, तो ये pH कितनी हो गई। अब हम pH की बात कर रहे हैं, हम पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अगर इसका मैं लॉग माइनस लॉग निकालूं तो मेरे पास कितना आएगी pH, pH विल बी 8। मतलब अब ये क्या है सॉल्यूशन मेरा बेसिक, गेटिंग माय पॉइंट, समझ आई बेटे। जैसे जैसे आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो 7 से बिलो जाती जाएगी pH, और जैसे जैसे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, हम pH की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर कम होगी, -7 से -8, -8 से -9, -9 से -10, इसकी पावर कम हुई। इसका लॉग निकाला आपने तो ये 8, 9, 10, 11, 12 की तरफ जाएगी। मतलब ये किसकी तरफ जा रही है, बेसिक की तरफ जा रही है, समझ आ रही है बेटे, इट विल गो टुवर्ड्स बेसिक। तो पीएच का जो स्केल है वो 0 to 14 है, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट क्या है 10^14। तो जो पीएच का स्केल है वो 7 पे तो न्यूट्रल है, और अबव 7 14 तक आते आते बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है, और 0 पे जाते जाते इधर बन जाता है वो एसिडिक। समझ आ रही है बेटे, 0, 1, 2, ठीक है, 3 तक हम बोलेंगे, 3 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अप टू 3 इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्रॉम 3 to 5 इट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, और फिर 5 to 7 इट इज वीक एसिड। सेम इज विद द बेस, 12 to 14 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, 12 to 14 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, 10 to 12 मॉडरेटरी एंड देन वीक। Any doubt from the pH? pH is very difficult for you to understand, I know. You have any doubt with it? If you have any doubt, you can ask again and again. pH, again I am saying, it is not a power of OH negative, it is a power of H positive. Okay, bete? As you add the base, your power is decreasing. Means it is decreasing. From 10^-7, -7, -8, -9, -10, -11, -12. And when you are finding the log, you will find 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and so on. Okay? When H plus ion is increasing, that is 10^-7, minus ki power kam hogi. ये -6 की तरफ जाएगा, -5 की तरफ जाएगा, -4 की तरफ जाएगा, -3, -2, -1 की तरफ जाएगा, और जब आप इसका लॉग निकालने जाओगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 10^0 हो जाएगी तो 0 into log 1 will be 0। Any doubt? Yes, Arman. Yes, मुझे Arman है. Okay, Arman. हाँ जी.
मैम स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा एक बार बताना। स्ट्रॉन्ग बेस जिसकी पीएच 0, 1, 2, 3 तक चली जाए, फिर उसके बाद मॉडरेट वो एसिड है। हाँ जी वो तो एसिड है ना बेस। विल बी बेटे फ्रॉम 12 to 14, 12 to 14 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, 10 to 12 इट इज अ मॉडरेट बेस, एंड एनी वन ऑफ यू हैज डाउट इन द पीएच बेटे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द स्टूडेंट हु वांट टू टेक मेडिकल और नॉन मेडिकल और एनटीएससी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। In NTSC class, I will definitely ask you. This is just a starting of a PH in class. 11th, we'll do more about it. Any doubt in the PH, you can ask now. Remember, PH is negative log of hydronium ion concentration. Okay, negative log of 10 raised to the power hydronium ion concentration. And if you will go on increasing the hydronium ion concentration, your pH value will be below 7. And if you go on increasing the hydronium ion concentration, yes, Aditya. Good morning, ma'am. Good morning, bete. मैम मैंने पूछा था कि मैम जो एसिडिक रेन होते हैं तो मैम उस वो कितनी एसिडिक हो सकती है, इसमें बता सकती है? 5.5 लगभग, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा कर लो आप, ज्यादा नहीं। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ नॉर्मल, मतलब हम कहते हैं कि इतनी अगर हो जाए तो दैट इज एसिडिक रेन, बट अगर आप पोल्यूट करोगे तो उससे ज्यादा भी एसिडिक हो सकती है इफ यू आर डूइंग मोर और मोर पोल्यूशन। तो मैम हमारी बॉडी कितना कंट्रोल कर सकती है एसिड अगर हमारे अगर स्किन पे गिर गया? ताजमहल इज, ताजमहल का मार्बल येलो इसी के कारण नहीं हो रहा था, बिकॉज मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड वहां पे फैक्ट्री से पोल्यूशन जा रहा था, देयर इज एसिडिक रेन हियर, दैट इज द ह्यूमन बीइंग हु इज रियनिंग द एनवायरनमेंट, यू कैन मेक मोर एसिडिक इफ यू वांट। ओके बेटे, एनी मोर डाउट? सो विल डू द एडवांटेजेस ऑफ पीएच इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, एंड जस्ट विल सी द पीएच स्ट्रिप। And for you, you have NCERT table to find the various acid present in like your battery, your gastric juice or vinegar, and to you will tell me what is the pH of that. This, okay? This is your homework to find out pH of different acids present in different that is different solution like saliva and all your stomach.